धर्मांतरण मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी रणनीति बनाती है। नाम है रफीक खान, कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। धर्मांतरण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी, रफीक खान इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव के वक्त सब काम करती है और चुनाव को ध्यान में रख के इनकी सारी रणनीति और राजनीति तय होती है। और अब इनकी सरकार है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा, एक मुद्दा और भी है। मेरे इलेक्शन के समय 3 गाय मार दी इन्होंने और कहा कि मेरे को विधायक पे शक है और पुलिस जांच कराए। अब जांच में जब पुलिस की जांच के अंदर सुबह 4 बजे इनका बेटा नजर आता है तो पुलिस भी इनकी, जांच भी इनकी, सरकार भी इनकी, करे जांच क्यों नहीं कर रहे? भरतपुर वाला मामले पे ये कार्रवाई नहीं करेंगे, ये इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे इनको नुकसान हो। ये तो राजनीतिक फायदे को ध्यान में रख के काम करते हैं, लेकिन जनता जागरूक है और सबक सिखाएगी।